फाइनली मच अवेटेड फिल्म शमशेरा थिएटर्स में लग चुकी है। देखना होगा पब्लिक इसे कैसी ट्रीट करती है। सबसे पहले मूवी की स्टार कास्ट की बात करें तो इस फिल्म के मेन लीड में आपको मिलने वाले हैं रणवीर कपूर, जिन्होंने शमशेरा और बिल्ली का किरदार निभाया है। फिल्म में इनका एक्शन और रोमांटिक सीन्स भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन मिलने वाले हैं। शमशेरा के गेटअप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बोले तो सुपर यार। फिल्म के विलन की बात करें तो भाई संजय दत्त इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं और इन्होंने इस करेक्टर में जान डाल दी है। ब्रिटिश साम्राज्य के समय के दरोगा शुद्ध सिंह का किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है। अपने दुश्मन को मानने की लालसा हो या अंग्रेजों को खुश रखने का दिखावा, अपने सिक्का जमाकर रखने में जो भी करना पड़े ये करने को तैयार रहते हैं। इस फिल्म में इनका किरदार एक क्रूर दरोगा का है जो कि अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। फिल्म की हीरोइन की अगर बात की जाए तो बानी कपूर आपको मिलने वाली हैं, जो कि सोना के रूप में आपको मिलने वाली हैं इसमें, और ये शादी या फिर किसी समारोह वगैरह में नृत्य करती हैं, नाचती हैं। और इसमें ही आपको शमशेरा मिलने वाले हैं एक बल्ली के रूप में, और ये एक लुटेरे हैं जिन्होंने इन मोहतरमा का भी दिल भी लूट लिया है। शादी और समारोह में लूट हमेशा करते रहते हैं, और जो लूट कर रहे हैं वो इसलिए की जा रही है क्योंकि उन्हें एक ऐसी रकम जमा करनी है जिससे वह अपने लोगों को कैद से छुड़ा सके, जो कि दरोगा की कैद में है, जो कि शुद्ध सिंह। इसमें जो सोना है वो शमशेरा की मदद करती हैं। ये कहानी सन 1871 के समय की है, जब जाति प्रथा के बहाने से बहुत अत्याचार किए जाते थे। शमशेरा और उनके साथी भी इसी पीड़ा से ग्रस्त थे। एक तरफ बड़ी जाति के लोग, दूसरी तरफ ब्रिटिश साम्राज्य का खूंखार दरोगा इन्हें जीने नहीं देता। इससे परेशान होकर इन्होंने हाथ में हथियार उठा लिए और फिर एक लुटेरे का गिरोह भी बना लिया ताकि वो उन लोगों को लूट सकें जो इनका मजाक बनाते थे जातिगत और या फिर किसी प्रकार से दबाव करके। अपने लोगों को छुड़ाने और अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए शुरू होती है कहानी। कहानी में ट्विस्ट और टर्न बहुत सारे मिलने वाले हैं। फिल्म में कुछ मुख्य किरदार और भी आपको मिलेंगे, जैसे कि सौरभ शुक्ला जी, जो कि शुद्ध सिंह का किरदार निभा रहे हैं। अपनी एक्टिंग के दम पर इन्होंने करेक्टर में जान फूंक दी है। और अगले मिलने वाले हैं आपको रोनित रॉय जी, जो कि पीर बाबा का किरदार निभा रहे हैं, जिनकी आवाज़ में इतना दम है कि बेकार से बेकार डायलॉग में जान डालने की क्षमता ये अपने पास रखते हैं। एक लंबे समय के बाद रणवीर कपूर एक शानदार मूवी के साथ वापसी कर रहे हैं, जिसमें शानदार एक्शन, स्टोरी लाइन, डायरेक्शन का तड़का देखने को मिलने वाला है। फिल्म का हीरो और विलन दोनों की जबरदस्त एक्टिंग और एक्शन आपको बोर नहीं होने देगा। अब बात करते हैं फिल्म के नेगेटिव्स की, तो फिल्म के सीन्स का अचानक खत्म हो जाना दर्शकों को चुप सकता है। फिल्म का दमदार बैकग्राउंड म्यूजिक भी अचानक ही खत्म हो जाता है। फिल्म को रेटिंग देने की अगर मैं बात करूं तो मैं इस फिल्म को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10। रिव्यू अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और फिर मिलेंगे चलते चलते।